तो अयोध्या। अभी आप पढ़ाई कर रहे हो यहाँ पे? जी हाँ, मैं पढ़ाई। क्या पढ़ाई कर रहे हो? मेरा मास्टर कंप्लीट हो चुका है। जैसे आपका मास्टर कंप्लीट हुआ है तो कई लोगों से बात कर रहा था, कई लोग कह रहे थे मंदिर की जगह अस्पताल बना देते, कॉलेज बना देते। एक मिनट, अस्पताल है ना, पहले से है ना, दशरथ कह रहे इतना पैसे लगाने की यहाँ जरूरत नहीं। मुझे नहीं लग रहा है, वो उनकी मानसिकता है, उनको ऐसा लगता है कि यहाँ मंदिर की जगह अस्पताल की जरूरत है। अस्पताल ऑलरेडी है, उससे बड़ा अस्पताल हमें नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ इतने लोग नहीं है कि उनको इतने बड़े अस्पताल की जरूरत पड़े। मंदिर बन रहा है हर लिहाज से, वो हॉस्पिटल बनता है उसमें किसको वर्क मिलता? केवल उसमें जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो हॉस्पिटल से रिलेटेड लोग हैं, उन्हीं को वर्क मिलता, रोजगार मिलेगा। आप कह रहे हो मंदिर खुला है, एक माली को भी रोजगार मिल रहा है, एक लड्डू वाले को भी रोजगार मिल रहा है, प्लस एक जो रिक्शा चालक है उसको भी रोजगार मिल रहा है। क्यों? क्योंकि टूरिज्म बढ़ रहा है तो आपको रोजगार तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ये आपकी मानसिकता, आप क्या सोच रहे हो? बहुत लोग हैं जो मंदिर के विरोध में, शायद उन्हें अयोध्या का पता ही नहीं कि अयोध्या में वो जन्म क्यों लिए, अयोध्या फेमस क्यों, अयोध्या राम के नाम से फेमस है, अस्पताल के नाम से फेमस नहीं है। अयोध्या राम की नगरी है, राम के नाम से फेमस, अस्पताल की जरूरत नहीं है, यहाँ मंदिर की ही जरूरत है। जैसे कई लोग ये भी कह रहे हैं कि जो सुरक्षा के इंतजाम है बहुत पुख्ता किया गया है, तो आप तो यहीं के रहने वाले हो, आप अभी रोड पे निकलते हो गए जाते हो, तो अभी क्या बदलाव कर देखा है सुरक्षा? अभी ऐसा है कि आपको बाइक वगैरह से नहीं चलने दिया जा रहा है, क्योंकि अभी उतना कुछ खास है नहीं, हम लोगों को भी देखना है, एक्सप्लोर करना है हमारी अयोध्या। तो हाँ, पुलिस हर जगह तैनात है, हर छोटी छोटी चीजों पे नजर रख रही है, बट ऐसा नहीं है कि आपको रोक रहे हैं, टोक रहे हैं, नहीं जाने दे रहे। हाँ, सुरक्षा बहुत अच्छी है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको भी कोई दिक्कत नहीं है। 2024 में चुनाव है, ठीक है, उसमें क्या लग रहा है? उसमें यही लग रहा जो अभी है। क्या लग रहा है? योगी मोदी, अदरवाइज कोई नहीं, उनके टक्कर में भी फिलहाल है ही कौन, मुझे नहीं लग रहा उनसे बेहतर नेता कोई है प्रेजेंट टाइम। कई युवाओं का सवाल है ना कि रोजगार नहीं दिया है, काम नहीं किया जमीनी स्तर पे, चीज नहीं समझ में आ रही। पुलिस की वैकेंसी निकाल रहे हैं यूपी में, लेखपाल की वैकेंसी निकाल रहे हैं, आप क्वालिफाई करो, किसने रोका है आपको? और कितना, जब टीचर्स की वैकेंसी अभी नहीं आ रही है, जब ये ऑलरेडी इतने टीचर्स भरे पड़े हैं तो वैकेंसी कहाँ से लेके आएंगे? अपने घर से थोड़ो ना देगा कोई, वैकेंसी खाली होगी, जरूर वैकेंसी आएगी, उनको थोड़ो ना चेयर पे बैठना है, वो तो ऑलरेडी एक चेयर पे बैठे हुए हैं, उनको चेयर की क्या जरूरत है? मुझे नहीं लग रहा रोजगार भी यहाँ पर पूरा मिल रहा है। आप यही, आप बताइए, बाहर से कंपनियां आ रही हैं, यहाँ इन्वेस्ट कर रही हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हमें सरकारी गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी, प्राइवेट सेक्टर में तो अच्छी जॉब मिलेंगी ना, हमें करना चाहिए। हम अगर बैठे हुए सोच रहे हैं, आके परोस के कोई देगा तो हमें कोई नहीं देगा। अभी ये था कि लाखों युवा जो सड़क पे उतरते हैं कि रोजगार नहीं है, वैकेंसियां नहीं निकल रही है। युवा हूँ मैं भी, बैठी हुई हूँ 2 साल से, मेरा टेट निकला हुआ है, सी टेट निकला हुआ है, सुपर टेट की वैकेंसी नहीं आई है, पर मैं बुराई नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अभी वो चीज़ें, अभी बिहार में वैकेंसी खाली थी, हुआ चयन, अब यहाँ वैकेंसियाँ खाली होंगी, चयन जरूर होगा। जब एक बच्चे पे, 10 बच्चे पे एक टीचर की जरूरत है, 10 बच्चे पे 2 टीचर है, तो हमें कहाँ से ले लिया जाएगा? आप कह रहे हो जो शिक्षित है, टैलेंट है, उसको जॉब मिलेगी, उसको जॉब मिलेगी ही मिलेगी, इधर नहीं मिलेगी उधर मिलेगी, मिलेगी जरूर। वो आपके टैलेंट पर डिपेंड करता है, आप जॉब लेना चाह रहे हो कि सिर्फ मुद्दा, मुझे जॉब नहीं मिली, मैं बेरोजगार हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर जगह वैकेंसी निकल रही है, अभी लेखपाल की वैकेंसी निकली है, पुलिस विभाग में वैकेंसी निकली है, हर जगह वैकेंसी निकली है, आप पढ़ो, आपको जरूर जॉब मिलेगी। चलिए, नमस्कार, मैं हूँ मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।